वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स का, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह ओप्पो फाइंड एक्स का बॉक्स जो बहुत डिजाइन के साथ बनाया गया है। तो इससे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। कैमरा की तरह यहाँ पे मोबाइल का खाप भी स्लाइडर की तरह खुल रहा है, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसका मेन कंटेंट और इसका जो बाकी सब कुछ है। तो ये बेसिकली चार्जर, हेडफोन है, ये सभी जब सभी को पता है कि क्या क्या है, तो इसलिए मैं इसे दिखा नहीं रहा हूँ। ये बैक कवर है जो आपको फ्री में मिल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ये मैनुअल है शायद, हाँ ये मैनुअल है। इसे आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल को ठीक ठाक से चलाने के लिए। ये न्यू टेक्नोलॉजी से आया है तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए इसे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे है सिम इजेक्टर टूल। तो ये है ओप्पो फाइंड एक्स, तो इसे आप देख सकते हो एकदम प्रीमियम लग रहा है, और इसका जो साइड का जो कलर है रेड का, वो मतलब एक अमेजिंग सा आपको मतलब फील कराएगा। और इसे आप हाथ में लेते हो तो मतलब एक ऐसे लुक की मतलब आप कभी नहीं फील किया हो। यहाँ पर बैक में आपको कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्लाइडर कैमरा है। जब कैमरा ओपन होगा तो वो स्लाइड होकर बाहर आएगा। तो और ये कार्व डिजाइन है, स्लिम है, तो इसका जो स्किन है वो अभी देख लेते हैं। तो एक बेजललेस डिजाइन है, कार्व स्किन है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6.4 इंचेस का पैनारोमिक एआरसी स्क्रीन, जो 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ बनाया गया है, और इसका जो स्क्रीन रेशियो है 19.8% है। तो एक बहुत बढ़िया स्क्रीन दिया हुआ है, और अगर आप इस स्क्रीन पे गेम खेलते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको एक अलग से यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट पे किसी भी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, जब आप कैमरा को ओपन करते हो तब भी आपको कैमरा दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर पे जो थोड़ा सा बेजल दिख रहा है, वहाँ पे आपको ईयरपीस मिल जाएगा कॉल करने के लिए, और नीचे में एक माइक्रोफोन मिल जाएगा। इस मोबाइल का जो एट्रैक्टिव पार्ट है वो है इसका कैमरा, जो स्लाइडर कैमरा है। और ये इस स्लाइडर कैमरा पे आपको 3D फेस रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाएगा, जो आपके मोबाइल को सिक्योर करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लैट इल्यूमिनेटर, इंफ्रारेड कैमरा, रेंगिंग सेंसर, रिसीवर, फ्रंट कैमरा और डॉट प्रोजेक्टर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे जो सेंसर है यहाँ पे इस कैमरे के साथ साथ यहाँ पे लगाया गया है। और अभी देख लेते हैं कि कैमरा कैसे काम करता है। अगर आप कैमरा पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक स्लाइडर बाहर निकल के आएगा। तो इसका जो ओवरव्यू है वो एक बार देख लीजिए किस तरह है इसका डिजाइन, और उसे क्लोज करने पर कैमरा को ऑटोमेटिक स्लाइडर अंदर आ जाएगा। और इसका जो कैमरा है वो डुअल कैमरा के साथ आता है, और इसके AI सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब आप अगर मतलब आपके जो पिक्चर आप कैप्चर कर रहे हो तो उसका क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। हालांकि इसके साथ डुअल कैमरा आपको मिलेगा, जो डुअल कैमरा है वो आपके पिक्चर के जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करता है, फिर भी वो AI की मदद से ये और भी ज़्यादा आपको इफेक्टिवनेस यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। और अगर आप मतलब फ्रंट फेसिंग पे जो फेस ID लगाते हो तो इसे जस्ट इसे ओपन करने पर वो कैमरा ऑटोमेटिक बाहर आएगा, और आपके मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना सही। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।